Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Biology for class 9th. We are going to study the topic Golgi apparatus. Page है 64. सबसे पहले उन्होंने साइंटिस्ट का नेम बताया बच्चों, कैमिलो गोल्जी, जिसने ये स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है. और ये है क्या, ये बेसिकली एक पूरा स्टॉक होता है डिफरेंट सैक्स का, जो कि ओवर ईच अदर अरेंज होती हैं. ठीक है, एक के ऊपर एक जो है वो डिफरेंट सैक्स इस तरह अरेंज होती हैं. अब एक सैक जो अकेली सिंगुलर है उसे हम कहते हैं सिस्टर्ली, और डिफरेंट सैक्स का जो पूरा बंडल है उसे हम क्या कह देंगे, गोल्जी अपरेटस. ठीक है, अब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है. और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन जो है, इसने एक्चुअली मॉलिक्यूल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रिसीव करता है, उनको पैक करते हैं स्मॉल सैक्स के अंदर. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स के अंदर ये उन्हें पैक करता है, और पैक करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू डिफरेंट लोकेशंस, या फिर उनको सीक्रेट आउट कर दिया जाता है सेल से. नेक्स्ट है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स में सबसे पहले ये ऊपर साइंटिस्ट का नेम जिसने ये डिस्कवर किया स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अच्छा, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, वो बेसिकली एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेल. यही इनका फंक्शन है.